पेंसिल और रबर। एक बार एक छोटा बच्चा ड्राइंग बुक पर पेंसिल से कुछ बना रहा था। चूंकि बच्चा बहुत छोटा था तो ड्राइंग बनाते वक्त बार बार गलती कर रहा था, इसीलिए रबर से अपनी गलती को मिटा रहा था। अचानक कुछ और काम याद आने के कारण वह अपनी ड्राइंग बुक को वहीं फर्श पर छोड़कर चला गया। छोटे बच्चे की गैरहाजिरी में पेंसिल और रबर आपस में बात करने लगते हैं। तो पेंसिल और रबर आपस में क्या बातें कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। पेंसिल: सुनो रबर, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। रबर: हाँ मित्र पेंसिल, हम दोनों अच्छे मित्र हैं। देखो, मैं हमेशा गलती करता रहता हूँ और तुम सच्चे दोस्त की तरह मेरी गलती को ठीक करते रहते हो। हाँ मित्र पेंसिल, मैं तुम्हारी गलती को ठीक करता हूँ, किंतु जब भी तुम मेरी गलती को ठीक करते हो तो तुम्हारे शरीर का कुछ हिस्सा कम होता जाता है और मुझे ये बात बड़ा दुखी करती है। दुखी ना हो मित्र, मेरा जन्म ये काम करने के लिए हुआ है। अगर मैं तुम्हारी गलती को ठीक नहीं करूँगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, और अंत में तो एक दिन सभी का नष्ट होना है ना। और मुझे जो काम सौंपा गया है उस काम को मैं हंसते हंसते करना चाहता हूँ। मैं बहुत धन्य हूँ तुम्हारे जैसा एक सच्चा दोस्त पाकर। और रबड़ की बात ख़त्म हुई। पेंसिल और रबड़ की बात ख़त्म होने के बाद छोटा बच्चा अपने काम को निपटा कर फिर से ड्राइंग बनाने में लग गया। मोरल हमें यह बताती है ये छोटी सी कहानी कि हमारे जीवन में भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमारी गलती को मिटाते हैं, चाहे उस बात के लिए उनका ही नुकसान क्यों ना हो। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, वो एक सच्चा मित्र भी हो सकता है जो गलत रास्ते पर जाने से हमें रोकेगा और हमें सदैव अच्छे की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। हम सभी संतान उस पेंसिल की तरह हैं जो हमेशा गलती करते रहते हैं, और हम सबके जीवन में हमारे माता पिता रबर की तरह होते हैं जो नित हमारा हित ही चाहते हैं। बचपन से लेकर युवावस्था तक माता पिता अपनी संतान की भलाई में लगे रहते हैं। कुछ गलत होने की दशा में अपने संतान को डांटेंगे, फटकारेंगे, पर संतान की तरफ से दूसरों से माफ़ी भी मांगेंगे। जिस तरीके से एक रबर पेंसिल की गलतियों को मिटाते हुए क्षीण होता जाता है, उसी तरह से हमारे माता पिता भी हम बच्चों का भला करते करते हमारी गलती ठीक करते करते बूढ़े हो जाते हैं। अंत में कुछ संतान अपने माता पिता की बूढ़े होने की दशा में उनसे कन्नी काटने लगते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। इसीलिए श्रेयस्कर होगा कि जिन माता पिता ने सदैव अपने आपका भला चाहा है तो बाद में आपको भी उनका भला ही सोचना चाहिए। अपने माँ बाप का सम्मान करो, उनका आदर करो। आप कुछ भी कर लोगे तब भी आप उनका कर्ज नहीं चुका पाओगे, क्योंकि माँ बाप जैसी दौलत दुनिया में कोई नहीं है। सबसे बड़ी दौलत माँ बाप की दौलत होती है। जिसके माँ बाप नहीं होते हैं उनके दिल से पूछिए माँ बाप क्या होते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है, अगर आपके माता पिता जिंदा हैं तो आप उनकी सेवा करते रहिए, निस्वार्थ सेवा करिए। किसी स्वार्थ के कारण सेवा मत करिए, निस्वार्थ सेवा करिए।